love you. How are you? Jai Shri Ram. Jai Shri Ram. अले मिला बच्चा जा। तो आज मैंने उसको डायपर नहीं पहना के भेजा है। इन दिन से इस लड़की का इतने सारे ये स्वादी इतनी सारी मिट्टी क्यों लेके आई हो? आ जाओ भैया, आ जाओ। आए हाय आए हाय आए। वो देखो जो ब्लू ब्लू दिख रही है ना, ये वाली, ये है लेक ओंटारियो। फैमिली वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं स्वदी को छोड़कर अभी आ रही हूँ। आज उसकी टीचर ने बोला था, मतलब कल बोला था कि कुछ भी एक्स्ट्रा ऐसा जो होता है नॉर्मल जो स्नैक्स वगैरह ये सब मत रखा करो, क्योंकि उसको बिस्किट हो गया, चिप्स हो गया, ये सब देख के ना उसको खाने का मन नहीं करता है, वो वही मांगती है। तो मैंने कहा ठीक है, खिलाना आपको है तो मैं तो भेज दूँगी। कभी राइस भेज दिया, कभी पराठा भेज दिया, तो आज मैंने उसे आलू का पराठा भेजा है। अब मैं उसे बता के भी आई हूँ कि स्टफ्ड पोटैटो वाला पराठा है, इसके अंदर पोटैटो फिलिंग है और आप उसको खिला दीजिएगा। मैंने छोटा छोटा बाइट करके भी बता दिया। और सुबह वो दलिया खा के आई थी, तो ब्रेकफास्ट तो उसका हो चुका है। अब देखती हूँ, रखा तो है पूरा पराठा छोटा सा बना के, अब कितना खाती है। अगर 4-5 बाइट भी खा ले और ऐसे आदत पड़ जाए तो बहुत अच्छा है। तो अभी मैं छोड़ के आ रही हूँ उसे। सुबह मज़े से बाय करती है, सब कुछ काम कर लेती है, नहा के फ्रेश होके आराम से वो एक घंटा ऑलमोस्ट उसका लगता है पूरा निकलने में, मतलब पूरा रेडी होके निकलने में। खाने की तैयारी हो रही है और आज मैं बना रही हूँ लौकी चने की दाल और पत्ता गोभी की सब्जी। और आज देखना मुझे ये है कि स्वदी को मैंने जो आलू का पराठा दिया है उसकी मैम उसको खिला पाती है या नहीं खिला पाती है। और मैं आपको बताई थी ना कल, मैंने उससे साफ किया था थोड़ा सा पानी, नॉर्मल वाला जो रहता है फिल्टर वाला, उससे पानी से बहुत अच्छे बाल हो गए, मुझे बहुत सॉफ्ट फील आ रहा है एकदम। जनरली मैं बहुत ज़्यादा आलस करती हूँ, मुझे ना बालों में ज़्यादा ऑयलिंग और ज़्यादा उसका ध्यान रखना, जैसे थोड़ा बहुत केयर करती हूँ, करना चाहिए लेकिन मैं नहीं करती हूँ। लेकिन नहीं, अब जब लग रहे थे थोड़े से ज़्यादा ही हेयर फॉल होने लगा तो मैंने चिंता हुई कि यार ये क्या, ये सब यहाँ सभी के साथ ऐसा है, अगर बिल्कुल ख्याल नहीं रखोगी तो पता चला कि बहुत ही कम बाल रह जाएंगे। यहाँ पर है थर्सडे और आज है 22 तारीख यहाँ पर, और मम्मी पापा की मेरी एनिवर्सरी आने वाली है 24 की। तो अब पता नहीं, देखो भाई बहन वहाँ मम्मी के लिए क्या सरप्राइज करते हैं, मम्मी डैडी को क्या सरप्राइज देते हैं या कुछ ऐसा प्लान करेंगे, तो मैं आप लोगों से भी शेयर करूंगी। एक बार मम्मी ने कोलकाता आके हम लोगों के साथ में सेलिब्रेट किया था, तब तो बहुत मजा आया था। तब हम लोग जून में, 24 जून की मम्मी डैडी की एनिवर्सरी है, तो जून में आए थे वो लोग वेकेशन पर थोड़े टाइम के लिए कोलकाता घूमने करने के लिए, पापा भी आ गए थे। और जब मेरे मतलब ससुर जी और पापा मतलब मेरे डैडी ये सब लोग मिलते हैं ना, तो पूरे टाइम घर में सिर्फ और सिर्फ आवाज आती रहती है, हल्ला गुल्ला होता रहता है पूरा, बहुत मजे आते हैं। मतलब देख के एकदम अच्छा लगता है। गेम भी खेलेंगे ना, जैसे कोई लूडो खेल रहा है या कैरम खेल रहा है, तो जैसे बच्चे लड़ते हैं ना वैसे लड़ते हैं दोनों लोग, कि आपने गोटी इधर से इधर क्यों कर दी। मतलब कई कई बार तो हम लोग को लगता था यार क्या, ये लोगों डैडी और पापा की बहुत जमती है, तो वही चीजें मिसिंग है यहाँ पर सच में लगता है। और हर एक सेलिब्रेशन हो, कुछ भी छोटा से छोटा होता है ना, एकदम तुरंत दिमाग में वही सब रिलेट करने को आ जाता है, यार वो टाइम पे कितना अच्छा किया था हम लोगों ने। खैर कोई बात नहीं, लेकिन इस सैटरडे का हम लोगों का कुछ ऐसा प्लान है, 24 तारीख को वही जैन मंदिर में उनका जो थोड़ा प्रोग्राम है 28 तारीख तक चलेगा, तो हम लोग जैन मंदिर फिर से जाने वाले हैं, थोड़ा प्रोग्राम है। और 27 तारीख को मेरी जो फ्रेंड है वो परफॉर्म करने वाली है, तो उन्होंने मुझे इन्वाइट किया है, स्टेज परफॉर्मेंस है उसका। तो लेट्स सी क्या प्लान रहता है। थोड़ा सा मैं इनका ऑफिस है उस टाइम, अगर टाइम थोड़ा सा क्लैश रहा तो ऊपर नीचे हो सकता है, ट्राई करेंगे कि सही टाइम पर निपट जाए और हम लोग चले जाए। स्वदी के स्कूल में एक जैसे मतलब एक बॉक्स टाइप का होता है, बॉक्स में रख के डायपर वगैरह या जो वाइप्स वगैरह रहते हैं वो रखने के लिए सेपरेट, या फिर कोई कपड़े एक्स्ट्रा जैसे गीले हो जाते हैं कुछ, तो उसके लिए मैं बोलती हूँ। घर में तो जैसे जनरली डायपर वगैरह पहनाते नहीं है, क्योंकि स्वदी बोल ही देती है कि मम्मा चुच्चू आई है, मम्मा पोती आई है, ऐसे बोल देती है। लेकिन क्या रहता है, मैं वहाँ पे जाती हूँ तो टीचर को पता नहीं बोलती है नहीं बोलती, तो मैंने कल टीचर से बात की थी, टीचर को बोला कि ये घर पे तो डायपर फ्री है एकदम, बोल देती है मुझे कि इसको सुच्चू आई है, तो उन्होंने बोला कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, आप वैसे भी जनरली एक दो बार हम लोगों ने करवाया है तो उसके बाद में ये कर लेती है, वॉशरूम चली जाती है। तो आज मैंने उसको डायपर नहीं पहना के भेजा है, और ऐसी आदत लग जाएगी ना तो सच बता रही हूँ, कहीं ले जाने में डायपर से थोड़ा रैशेज वगैरह भी होते हैं। और कब तक डायपर पहनेगी, 3 साल हो गया है, तो ये मैं चाह ही रही थी कि डायपर फ्री हो जाए, तो इसकी टीचर ने बोला है। आज देखती हूँ मैं क्या रिपोर्ट है उसकी, और एक्स्ट्रा उसके लिए लेगिंग्स और पैंट्स वगैरह भी रखी आई हूँ, डायपर्स तो एक्स्ट्रा रहते ही उन लोगों के बास्केट में। तो मैं अभी जा रही हूँ स्वदी को लेने के लिए, और आज मैं जा रही हूँ 2 बजे उसे लेने के लिए, क्योंकि 2-3 दिन से मैं 2:45 पे तकरीबन निकल जाती थी और 1:50 पे वहाँ पहुँच जाती थी, तो सो रही होती थी,
तो दो तीन बार ऐसा हुआ, मैंने कहा चलो 2 बजे तक वो बच्चे सारे ही सोते हैं, फिर 2 बजे सबको उठा देते हैं, फ्रेशन अप कर देते हैं बच्चों को, तो सोचा मैं 2 बजे ही लेके आऊंगी उसको। आज मुझे देखना ये भी है कि वो छुटकी को कैसा आज का दिन जाता है, बिना डायपर के गई है और खाना भी उसको मैंने आज अलग रखा था, तो आज मुझे ये देखना है कि वो मैडम जी पूरा फिनिश करती हैं, थोड़ा सा खाती है या नहीं खाती है। आज रिपोर्ट उसकी टीचर देगी, कुछ नया था आज इसके लिए। ये देखो सो क्यूट के आ गई बाबू, इसको इस पे बिठा दिया, आपको वॉक करके चलना है, चलो चलो आप वॉक करो, चलो लेट्स गो। अरे भाई कैसे टेढ़ा मेढ़ा जाएगा भाई, इसको बैठना नहीं है आज के बाद, मैं स्ट्रॉलर नहीं लाया करूँगी स्वधु, ये देखो। तो आज का एक्सपीरियंस ऐसा रहा, उन्होंने थोड़ा सा खाया, वो पराठा तो नहीं खाया, मुझे पता था कि थोड़ा सा एक दो बाइट खाई, उसके बाद उन्होंने ब्राउन राइस दिया था तो उन्होंने ब्राउन राइस खाया मैडम ने। और पीछे आ रही है, आ जाओ। और मैम बोल रही थी कि उसने बाहर जाके, जैसे जनरली बाहर खेलती है, हवा हवा लगती है तो सुसू आती है, तो बोला नहीं। फिर मैं टीचर को बोल के आई, मैंने कहा वो ऐसे नॉर्मल नहीं बोलेगी, उसको दौड़ती आएगी, बोलेगी छुच्छू छुच्छू, तो उसकी टीचर ने उसको 2-3 लोगों को बता दिया है कि जब ये बोलेगी सुसू, बोलती है स्वधु जब आपके मैम बोले ना आपको चुच्चू, तो चुच्चू करना, ठीक है, ओके ओके ओके। एक चोटी बना के आ जाओ, आ जाओ भैया, आ जाओ, आए है आए है आए है, आ जाओ आ जाओ। बैग इस पे रखवा दिया है, वॉक कर रही हूँ, जब मैं लेके जाती हूँ तो यहाँ से लेके जाती हूँ, ये वाली सीढ़ियाँ हैं, वैसे ये वाला स्लोप भी है लेकिन इसे बंद कर रखा पता नहीं क्यों, क्योंकि आराम से इस पे चढ़ जाएगा, स्ट्रॉलर इधर से लेके जाना पड़ता है। इन दिन से इस लड़की का इतने सारे, ये स्वाति इतनी सारी मिट्टी क्यों लेके आई हो, डर्टी ना, क्या करना है इसको क्या कर, काम आ गई हो, काम आ गई हो है, काम आ गई हो, डर्टी डर्टी, बाप रे इतनी सारी, देखो देखो कितनी सारी है। आइडिया क्या आइडिया। तो आज मैडम जी को बोला था, एक तो वो मेरे को 2 ही काम देखने थे कि ये लंच फिनिश करती है या नहीं करती है, सुसू के लिए बोलती है या नहीं, तो दोनों काम में से आधे आधे काम हुए, आधा दिन तक रह ली थी। फिर वहां पे मैम बोली कि हम लोग जब बेड पे सुला रहे थे तो इसको डायपर पहना दिया था, तो कोई बात नहीं, डायपर तो मैंने बताया था आपको, स्टॉक में रहते हैं। हाँ फ्रेंड, वेयर इज योर फ्रेंड्स, फायर, जैसे ही, क्योंकि बच्चे यहाँ से दिखते हैं ना 3:30 बजे बाहर आते हैं, तो इसको दिमाग में वही रहता है। हाँ बेटा, रेड 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 फायर, फायर रेड फायर फाइटर्स, इसको पता नहीं क्या प्यार है, सिर्फ और सिर्फ फायर और फायर फाइटर के बारे में बोलती रहती है, अलार्म भी बजता है, कुछ बजता है तो बहुत ज्यादा, टीचर ने एक बार बताया था कि स्कूल में अलार्म बजा था तो इतना ज़्यादा, सब एकदम कामली सबको लाइन अप कर रही थी और उसको पता था कि किस तरफ जाना है क्या नहीं, टीचर बहुत तारीफ कर रही थी। हाइस नहीं आ रहा मम्मा को समझ, क्या कह रहे हो आप, व्हाट यू वांट, ऑक्टोपस, लक, अब इसका चेहरा वेहरा साफ करवाया है, पूरा मिट्टी मिट्टी में हो गया था, और खाना भी अब मैं डेली यही दिया करूंगी, तो थोड़ा थोड़ा करके खाना स्टार्ट करेगी। धूल में क्यों खेलते हो आप, मिट्टी मिट्टी में खेलते हो ना, अच्छा एक बार बोल दो हेलो गाइस, पहले बोल दो, पहले बोल दो हेलो गाइस, हेलो गाइस, हाउ आर यू, हाउ आर यू, आई एम गुड, हाउ आर डूइंग, आई एम गुड, डूइंग, love you all, love you all, jai shiya ram, jai shiya ram, ale mila bachcha jai shiya ram, chali ek baar wo aur karke dikha do, jai shiya ram, jai shiya ram, jai shiya ram, raja ram, jai shiya ram, bolo 1 2 3 4, जब से वो थोड़ा सा म्यूजिक सुना है तब से इसको बस ये जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, ओ बाबा राजा राम, अरे मेरा बच्ची चलो नहीं, हाँ 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 बस 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 हो गया।
हाँ नींद हो गई, थोड़ा आराम हो गया। और ये खेल भी ली इतनी देर से, शोई शोई तो नहीं करी इन्होंने। आज बहुत ज्यादा सनी डे है, एकदम बिल्कुल चमक मारी है, धूप पूरे दिन के लिए रहने लगी। 2-3 दिन से बहुत अच्छा मौसम है। बाहर की जो लेक है, लेक ऑन्टेरियो, वो भी यहाँ से बहुत सुंदर दिखती है। मैं आपको दिखा, देखो आज कितना अच्छा आसमान है, नीला नीला एकदम, और धूप चमक रही है। और अभी बज रहा है यहाँ पर 6, और वो देखो जो ब्लू ब्लू दिख रही है ना, ये वाली, ये है लेक, लेक ऑन्टेरियो। यहीं पर हम लोगों ने वो ब्लफर जो पार्क गए थे, वो यही वाली लेक थी। और ये काफ़ी बड़ी लेक है, और सच में एकदम ऐसे लगता है बहुत सुंदर, ब्लू ब्लू स्काई के साथ ब्लू लेक, एकदम क्रिस्टल क्लियर वाटर और पूरा पूरा ब्लू, बहुत सुंदर लगता है। तो मैं वापस से आ गई अपने किचन में, और आज बन रही रात के खाने की तैयारी हो रही है। और स्वाति और मैं दोनों फुटबॉल खेल रहे हैं, शाम का टाइम है, 7 बज रहा है, और जल्दी से खाना मैं निपटा रही हूँ। आज बना रही हूँ, हाँ खेलो खेलो, आज मैं बना रही हूँ सोयाबीन करी, और मसाला एकदम तैयार हो चुका है। और स्वाति को मैं दिखा देती हूँ क्या कर रही है। स्वाति, स्वाति क्या, स्वाति बॉल किक करो, देखो बाप रे, वेरी गुड वेरी गुड, ये इसको इतनी ज्यादा मजा आता है ना, सबसे ज्यादा कोई गेम पसंद आए ना आए, जैसे डॉल हो गई या ब्लॉक्स हो गया, कुछ समझ आए ना आए इसको, लेकिन बॉल से इतना प्यार है। हर साइज की बॉल इसके पास इंडिया में भी थी और यहाँ पे भी, पापा के साथ फुटबॉल और नॉर्मल ऐसे कैच कैच बैट बॉल, हॉकी होती, सबके साथ वो बॉल चलाती है, बड़ा अच्छा लगता है उसको खेलने में। और मैं आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। आप लोग मुझे इतना सपोर्ट करते हैं उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करूँगी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलती हूँ कल के ब्लॉग में। टिल देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल स्वदीश वर्ल्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।